हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने कलर ऑप्शन में आएगी, कितने कलर ऑप्शन को अभी तक देखा जा चुका है, इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर इसमें क्या गलत कर रही है, उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर ऑप्शन की। तीन दिनों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने सोशल मीडिया के जरिए काफी सारे कलर ऑप्शन की जानकारी दे रही है, जिसमें सबसे पहले ब्लैक कलर में देखा गया, उसके बाद इसके कुछ लीक पिक्चर के जरिए स्कूटर को पिंक और ब्लू कलर में भी देखा जा चुका है। अब कंपनी स्कूटर को व्हाइट कलर में भी रिवील की है, यानी कि अभी तक टोटल चार कलर ऑप्शन में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखा जा चुका है। लेकिन कंपनी को केवल स्कूटर के कलर पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बाकी स्कूटर की स्पेसिफिकेशन यानी कि मोटर पावर, बैटरी, रेंज और नया नया क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही है उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर केवल कलर के बेस पे स्कूटर को परचेज नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है स्कूटर को लेकर, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस स्कूटर के डिजाइन और थोड़ी बहुत जानकारी के अलावा कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुछ जानकारी के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज होने पर 100 से 150 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज दे सकती है। फिर इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। स्कूटर के साथ एक होम चार्जिंग दिया जाएगा, जिससे कि नॉर्मल 5 एम्पियर के वॉल सर्किट लगाकर स्कूटर को चार्ज किया जा सकता है। स्कूटर पूरी तरह चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे का समय ले सकती है। इसके अलावा ओला हाइपर चार्ज का सुविधा भी लाने वाली है, जो कि आने वाले कुछ समय में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कंपनी 400 सिटीज में 1 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली है। तो अगर आपके शहर में चार्जिंग स्टेशन बन जाता है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वालों के लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। इस स्कूटर के फीचर्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। इस स्कूटर में LED लाइट्स के साथ LED DRLs दिया जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा क्योंकि इसकी पिक्चर कुछ दिन पहले लीक हो चुकी थी। इसके अलावा क्लाउड कनेक्टिविटी मिल सकती है, रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी दी जा सकती है, टेलीस्कोपिक फोर सस्पेंशन मिलेगा, डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। इसके अलावा साइड स्टेयरिंग इंडिकेटर और अलाउबल्स जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही काफी बड़ा सा बूट स्पेस भी देखने को मिल रही है, जहां पे 2 हेलमेट रखी जा सकती है। प्राइसिंग को लेकर कंपनी ने कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन कंपनी अपने स्कूटर की प्री बुकिंग 499 रुपए से कर रही है, और कंपनी के प्री बुकिंग के पहले ही दिन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसकी प्री बुकिंग भी करा लिया है, क्योंकि ये प्री बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल भी है। इस स्कूटर के परचेज के टाइम आप स्कूटर के कलर और मॉडल को चूज कर पाएंगे। हालांकि कंपनी ने इसकी ऑफिशियली प्राइस की जानकारी नहीं दी है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी प्राइस 1 लाख रुपए के आसपास में हो सकती है। इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आगे आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।